नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट द डिसेंट्री। एंड राइट नाउ जिस दिन ये वीडियो को मैं शूट कर रहा हूं, तो आज तारीख जो है यह है 2 मई। मई मतलब गर्मी का सीजन चल रहा है। तो जैसा कि आप लोग भली भांति परिचित हैं कि जो समर सीजन होता है उसके अंदर डायरिया और डिसेंट्री ये दो चीजें बड़ी बहुतायत में पाई जाती हैं। ठीक है, ऊपर में कार्ड में लिंक दे दूंगा मैं डायरिया, समर डायरिया के ऊपर में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ऊपर कार्ड में लिंक होगा। आप में से किसी को भी आवश्यकता पड़ती है उस प्रिस्क्रिप्शन की या वो ट्रीटमेंट की कि समर डायरिया में क्या देना चाहिए, ऊपर कार्ड में लिंक है, आप उसको खोल करके देखिएगा, यू विल फाइंड द वीडियो ऑन दैट। अब यहाँ पे एक चीज टेक्निकली डॉक्टरों को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंटली मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से देखो हमारी बॉडी अलग अलग सीजन में अलग अलग हमारे ऑर्गन्स वीक हो जाते हैं, इतना मोटा मोटा समझ लो आप। जैसे कि हम अगर ठंड की बात करें तो ठंड में हमारे ज्वाइंट और हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। यही कारण है कि ठंड के अंदर हमको फ्रिक्वेंट कॉमन कफ एंड कोल्ड, सर्दी, खांसी, जुकाम, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, ये सब हमको ठंड में देखने को मिलता है। उसी तरह से ठंड में जो ज्वाइंट की प्रॉब्लम है, रूमेटिक प्रॉब्लम है, वो ठंड के अंदर हमारी सारी की सारी रूमेटिक प्रॉब्लम ऊपर की तरफ आ जाती है, सरफेस के ऊपर। कि अगर किसी को जॉइंट में रूमेटिज्म है, गाउट है, गाउटी अर्थराइटिस है, रूमेटाइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियो अर्थराइटिस है, तो ये सारे के सारी बीमारियों में 4 नहीं 10 चांद लग जाते हैं, खासकर ठंड में। ठीक है, अब ये पॉइंट मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अलग अलग सीजन में हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन वीक पड़ते हैं और वो डिफरेंट ऑर्गन प्रीडिस्पोज होते हैं डिफरेंट प्रकार की बीमारियों के लिए। अब अगर उसी ठंड का हम एग्जांपल लें तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल हेल्दी रहता है ठंड में, और यही ठंड में आदमी पेल के खाता है। ठंड ठंड में लोग 2-3 किलो वेट बढ़ा लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल डिजीज फ्री होता है। कब? ठंडी के सीजन में, कोल्ड विंटर सीजन के अंदर। और यही कारण मक्के की दो रोटी चल रही है, सरसों का साग चल रहा है, बाटी शाटी चल रही है, दुनिया जहान की चीजें चल रही है, क्यों? क्योंकि ठंड है। समझ गए आप मेरी बात? तो ये चर्चा का विषय है कि अलग अलग वेदर में हम लोग अलग अलग बीमारियों के सन्मुख और उसको लेकर प्रीडिस्पोज होते हैं, और अलग अलग वेदर में हम हमारे अलग अलग बॉडी के सिस्टम, कोई वीक पड़ जाता है, कोई बहुत ही मजबूत टिकाऊ हो जाता है। अब आते हैं हम गर्मी के अंदर। अब गर्मी के अंदर हम आ गए तो हमने क्या देखा गर्मी के अंदर की जो ये विंटर का बिल्कुल सिनेरियो बिल्कुल 180 डिग्री पलट गया, 180 डिग्री। कि गर्मी में अब मेरे को कोई रूमेटिक कंप्लेंट नहीं है, क्योंकि जितने दुख दर्द थे गठिया के, वाय के, जितने भी रूमेटिज्म की प्रॉब्लम थी, जॉइंट की पेन तकलीफ है, वो सारी थी ठंड में। अब गर्मी आई, सबसे निजात पा गया पेशेंट, बिल्कुल मजबूत और टिकाऊ हो गया कार्यक्रम। पर जो सिस्टम ठंड में बिल्कुल मजबूत और टिकाऊ था, वो सबसे ज्यादा वीक और वर्नरेबल हो गया गर्मी में, जो कि है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि देखो गर्मी में ना सर्दी होगी, ना खांसी होगी, ना जुकाम होगा, ना रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, ना जॉइंट पेन होंगे, ना रूमेटिक प्रॉब्लम होगी, ना जोड़ों की तकलीफ होगी, क्यों? क्योंकि गर्मी आ गई, वो सारे ठंड के कांड है। अब जो ठंड में जो सिस्टम सबसे मजबूत था, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, मक्के की रोटी, सरसों का साग, नॉनवेज, पाया सूप, सब चल रहा था, वो सबसे वीक हो जाएगा गर्मी में। तो गर्मी के अंदर देयर इज द प्री डिस्पोजिशन ऑफ टू द गर्मी के अंदर देयर इज द प्री डिस्पोजिशन टू द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट। ये हमेशा गर्मी के अंदर ये चीज होती है कि जब गर्मी आएगी तो वो सिस्टम जो सबसे पहले और सबसे ज्यादा वीक पड़ेगा वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका पाचन तंत्र है। और यही कारण है कि गर्मी के अंदर डिसेंट्री, जिसके ऊपर ये वीडियो है, समर डायरिया, जिसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, ठीक है ना, वोमिटिंग पे वीडियो बना चुका हूं, ऊपर कार्ड में लिंक दे दूंगा, तो ये सब चीजें होने लगती हैं, उल्टी लग जाएंगे, दस्त लग जाएंगे, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, है ना, डिसेंट्री हो जाएगी, समर डायरिया हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएंगे, लोग अस्पतालों में एडमिट हो जाते हैं, अस्पतालों में बॉटलें चढ़ रही है, सिलाइन चढ़ रही है, क्यों? डिहाइड्रेशन हो जाता। क्यों हो गया डिहाइड्रेशन? भाई गैस्ट्रो इंटेस्टिनल अपसेट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, और यही कारण है कि समर सीजन में ये सारी चीजें हमको ज्यादा दिखती है, वोमिटिंग हो गया, डायरिया हो गया, समर डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला, फलानी चीजें बहुत सारी। तो ये डिसेंट्री एक्चुअली उसी का पार्ट है। व्हाट इज डिसेंट्री? डिसेंट्री को हिंदी में बोलते हैं पेचिस। पेचिस क्या होता है? कि ब्लड पिंच्ड स्टूल जब होगा, ब्लड टिंच्ड डायरिया, ऐसा डायरिया जिसके अंदर थोड़ी सी मात्रा में ब्लड मिक्स होकर के आएगा, इस कंडीशन को हम डिसेंट्री बोलते हैं। बस इतनी ही परिभाषा है इसकी। क्यों होता है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि गर्मी के सीजन में गैस्ट्रो एंटेराइटिस की टेंडेंसी बॉडी में होती है।
जब तरीके का गैस्ट्रोएंटेराइटिस बंदे को होता है तो उस गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अंदर गैस्ट्रो मतलब स्टमक और एंटेराइटिस एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन को एंटेरॉन बोलते हैं और एंटेराइटिस मतलब इंटेस्टाइन का इन्फ्लेमेशन। तो समर में गैस्ट्रोएंटेराइटिस की टेंडेंसी ज्यादा होती है। यही गैस्ट्रोएंटेराइटिस की टेंडेंसी के कारण हम समर के अंदर प्लेन उल्टी दस्त देखते हैं। उल्टी दस्त में उल्टियां हो रही हैं और पतले दस्त लग रहे हैं और ये इतने ज्यादा हो जाते हैं कई बार कि सोडियम पोटेशियम गड़बड़ा जाता है, खासकर पोटेशियम, वो बंदे को अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है, स्लाइन चढ़ानी पड़ती है। अब जब यहाँ पे गैस्ट्रो एंटेराइटिस की बात हो रही है तो एंटेराइटिस मतलब एंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। तो भाई साहब जब एंटेराइटिस हो ही रहा है तो कई मरतबा ये एंटेराइटिस बहुत ही ज्यादा वॉयलेंट और बहुत ही ज्यादा प्रचंड एंटेराइटिस हो जाता है। प्रचंड एंटेराइटिस मतलब सीवियर इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन और ये इतना ज्यादा प्रचंड इन्फ्लेमेशन होता है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो इंटेस्टाइन में चल रही है उस जगह से ब्लीडिंग भी होने लगती है और वही ब्लीडिंग जो होती है वो अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टाइन है। तो वहां पे लूज स्टूल का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरिया बन रहा है। अब डायरिया क्योंकि इन्फ्लेमेशन के कारण बन रहा है और इन्फ्लेमेशन इंटेस्टाइन का बहुत प्रचंड है तो वो डायरिया के अंदर हम ब्लड भी देखते हैं और इसलिए ब्लड और म्यूकस वाला जो डायरिया हम देखते हैं समर सीजन के अंदर उसको हम पेचिस बोलते हैं या उसी को हम डिसेंट्री बोलते हैं। तो ये मैंने इतनी देर में खत्म कर दिया 6 मिनट के अंदर क्यों होता है हमको समर सीजन में गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस और अल्टीमेटली डिसेंट्री क्या होती है और डिसेंट्री और डायरिया में क्या फर्क है। डिसेंट्री के अंदर ब्लड मिक्स्ड स्टूल होता है, डायरिया के अंदर एकदम पानी जैसा स्टूल होता है, समझ लेना। डिसेंट्री के अंदर स्टूल पानी जैसा नहीं होगा, मरोड़े पड़ते हैं पेट के अंदर डिसेंट्री के पेशेंट को कि क्या हो गया कि बैठा है गड़गड़ गड़गड़ आवाज आई, मरोड़ा पड़ा पेट में, मरोड़ा पड़ा, इसको लगा कि कोई हवाई जहाज निकलने वाला, लिटरली खूब सारा पट्टी होगा। बट ये जब वहां पे कमोड पे जाकर के बैठा तो इसको बहुत ही कम मात्रा में स्टूल हुआ जो कि ऑलमोस्ट म्यूकस था, जिसके अंदर म्यूकस था और ब्लड था और थोड़ा बहुत खाना था जो इंजेस्टा होता है जिनने खाया होगा और वो लिक्विड था। बट डिसेंट्री और डायरिया में फर्क है, डायरिया बिल्कुल पानी जैसा बहता है, बिल्कुल लिटरली पानी जैसा और क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। कई बार डायरिया के पेशेंट को इतना सारा स्टूल होता है पानी जैसा कि वो घबरा जाता है कहां से आ रहा है। डिसेंट्री में ये नहीं होगा, डिसेंट्री में डायरिया के कंपेरिजन में क्वांटिटी जो स्टूल का होगा वो कम होगा। डिसेंट्री के अंदर जो स्टूल होगा वो डायरिया के कंपेयर में क्वांटिटी में पहली चीज कम होगा और दूसरा वो उतना ज्यादा लिक्विड कंसिस्टेंसी का नहीं होगा। तीसरी चीज, डिसेंट्री में जो स्टूल होगा उसके अंदर ब्लड मिला हुआ होगा, ब्लड टिंच्ड होगा, ब्लडी होगा, ब्लडी डायरिया जिसको बोलते हैं। और चौथी चीज, इसके अंदर म्यूकस भी बहुतायत में होगा। और चौथी चीज, इसके साथ टिनेस्मस जरूर होगा। टिनेस्मस मतलब लोअर एब्डोमेन के अंदर मरोड़ा पड़ेगा और वो मरोड़े के बाद पेशेंट बार बार जाएगा। और पांचवी छठी चीज, डिसेंट्री के अंदर उसके जाने की फ्रिक्वेंसी पोटी जो होगी वो डायरिया से कम रहेगी, ये याद रख लेना। तो 5 कैरेक्टर क्या होगा है कि क्वांटिटी उतनी नहीं होगी जितनी डायरिया में होती है पर फिर भी होगी और पतली होगी। दूसरी चीज, पानी जैसी पतली नहीं होगी पर फिर भी पतली होगी। तीसरी चीज, म्यूकस होगा डिसेंट्री के केस में। चौथा, ब्लड होगा डिसेंट्री के केस में। पांचवी चीज, जो लोअर एब्डोमेन है उसके ऊपर टिनेस्मस पड़ेगा। और छठी चीज, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं होगी जितनी डायरिया में लग। तो डायरिया में तो हर 2 मिनट में जाता है आदमी, पर डिसेंट्री में इतना नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द डिसेंट्री माय गाइस। और मैं समझ गया हूं, आप लोग अच्छे से समझ गए व्हाट इज डिसेंट्री। अब सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे आते हैं, कोई फालतू बात नहीं करेंगे, वीडियो को अन्यथा लंबा नहीं करना है। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द डिसेंट्री आर, जो पहली है दैट इज मर्कसोल, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैं मर्कसोल सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इतना मोटा मोटा समझ लो कि मर्कसोल के अंदर वो सारी की सारी हमारी रिक्वेस्ट, हमारी रिक्वायरमेंट है, पूरी हो रही है जो डिसेंट्री के केस में होती है। जैसा म्यूकस भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है, लूज स्टूल भी है, पेट के नीचे मरोड़ा भी पड़ रहा है, तो ये सब कुछ मर्कसोल सर्वगुण संपन्न है इसके अंदर। तो डिसेंट्री में फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है मर्कसोल। 30 पोटेंसी में आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली 3 बार देना है। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द एलो सॉर्पेंटिन।
सर्कंटीना, ये बात याद रखिएगा, है ना। एलो सर्कंटीना 30 पोटेंसी से, इससे भी आपको एलो से अपने पेशेंट को चार चार गोली दिन भर में 3 बार देना है। हार्डली 3 दिन भी दवा नहीं दे पाइएगा आप, और आपका पेशेंट डिसेंट्री के चंगुल से निकल के 3रे दिन से पहले बाहर खड़ा हो जाएगा, एब्सोल्यूटली हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सो हियर इज अ स्मॉल वीडियो, एक छोटा सा वीडियो था डिसेंट्री के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में और आने वाले वीडियो में। इस हफ्ते में होने वाले 3-3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में, जिसके अंदर आपका इंतजार रहेगा और जरूर ज्वाइन करेगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।